अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिक्योरिटी एकेडमी। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग जो है ना डोमेन जो होती है, डोमेन नेम सिस्टम होता है या डोमेन नेम सर्वर जिसको बोल दो, उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या वो कैसे एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको मिसयूज़ ना कीजिएगा। हम देखेंगे कैसे आप लोगों का सिस्टम इसके वल्नरेबल होता है। तो पोर्ट नंबर 53 आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई डोमेन नेम सिस्टम में यूज़ होता है। तो अगर तो वो पोर्ट ओपन है तो फिर हम उस पर बाकी जो है ना जो अपनी हैकिंग स्किल्स होती हैं वो परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग उसको जाने देते हैं। तो सबसे पहले अगर तो पोर्ट ओपन है तो हम लोग उसका जो है ना सर्विस वर्निंग चेक करेंगे कि हाँ या कि हाँ जी इसका वर्निंग क्या है। तो अब यहाँ पे मैंने नज़र आ रहा कि ISC बाइंड 9.4.2। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका एक्सप्लोइट देख लेना है कि भाई इसका एक्सप्लोइट कोई अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है। तो अगर तो नहीं है फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर तो है तो वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें कोई भी जो है ना इसका नहीं मिला, ठीक है, एक्सप्लोइट नहीं मिला। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब MSF कंसोल रन करना है और देखना है कि हम लोग इसको कैसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तो अभी तक कोई मतलब एक्सप्लोइट तो हमें नज़र नहीं आया। तो डोमेन नेम सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि एक तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग एक्सप्लोइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना सर्च करना है वो है बेल, लिखना है पहले बेल, बेल बेली बेली विक, ठीक है, बेली विक चेक करना है, जो कि DNS स्पूफ मतलब कि अगर हो रहा हो या उसको करना हो तो वो यूज़ करते हैं। बेलविक डोमेन अटैक होता है, ठीक है, एक होता है होस्ट अटैक होता है, एक होता है डोमेन अटैक। आप लोगों ने डोमेन अटैक यूज़ करना है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यूज़ करना है, जो 0.0 जो ऑप्शन है उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जब बल्कि हम दोनों चेक करेंगे, बट पहला जो है ना आप लोगों ने स्टार्ट करना है पहले से, वो एक वर्क करता है एक नहीं वर्क करता, कभी कभार ऐसा होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई डोमेन टू हाईजैक, आप लोगों ने सबसे पहले तो वो डोमेन लिखनी है जिसको आप लोगों ने हाईजैक करना है। लाइक मैं डोमेन लिखता हूँ yahoo.com, इसको मैं हाईजैक करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैंने देना है कि भाई मैं जो है जो न्यू DNS है, जो द होस्ट नेम ऑफ द रिप्लेसमेंट DNS सर्वर, ठीक है। तो मैं जो न्यू जो अपना जो होस्ट नेम है, लाइक अगर मेरे पास कोई भी मशीन है, अगर मैं यूज़ काली कर रहा हूँ या मेटा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसको न्यू एड्रेस दूंगा, मैं अपने से दे रहा हूँ dns01.minus.metasploitable.com, ठीक है, सेम इसे आप लोग भी दे सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने अपना टारगेट सेट करना है, लाइक आप लोग टारगेट दे सकते हो अपना टारगेट जो भी होगा, जो पोर्ट ओपन होगा जिसका वो टारगेट देना है, ये ना हो कि पोर्ट क्लोज हो और आप काम कर रहे हो तो अपना टाइम ही ज़ाया करो वैसे ही। उसके बाद आप लोगों ने देना है SRC पोर्ट, जो कि टारगेट सर्वर सोर्स क्वेरी पोर्ट होता है वो देना है, ठीक है, हम लोगों ने उसको ज़ीरो कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने शो ऑप्शंस करने और देखना है कि क्या ये सारे फिल हो गए या नहीं हो गए। तो हमें अभी नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने सारे फिल कर लिए हैं, एक इंटरफेस नहीं किया, उसको छोड़ देना, वैसे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने अब चेक करना है कि भैया आया कि हमारा है सिस्टम है जैक हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं याहू पे कर रहा हूँ तो जो है ना याहू हो सकता है कि काफ़ी आपको पता है कि काफ़ी हैवी वेबसाइट है, ना भी है जैक हो, बट ये तरीका है इसको हैजैक करने का। तो उसके बाद आप लोगों ने डी कमांड यूज़ करनी है, और NS का मतलब होता है नेम सर्वर, और आगे आप लोगों ने yahoo.com और जो है अपना टारगेट का IP एड्रेस दे देना है। तो थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आप लोगों को बता देगा कि नेम सर्वर कौन कौन से हैं, NS4 है, NS3 है, NS5, NS2, NS1, और इस तरह आप लोगों के पास नेम सर्वर आ रहे हैं। अब बेसिकली ये वीडियो फिर से मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको मिस यूज़ ना कीजिएगा। ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि अगर आपकी डोमेन नेम सिस्टम अगर है हाईजैक हो सकता है, वो इस तरीके से हो सकता है, आप लोगों को इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों को मिस यूज़ नहीं करना, बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों को पोर्ट ऑफ रखना है और चेक करते रहना है कि आपका पोर्ट ओपन तो नहीं है, अगर ओपन है तो ये जो है ना बंद करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको जो है ना न्यू DNS दे रहे हैं, वो जो हमने पहले दिया था न्यू एड्रेस, उसकी जगह हम लोग मेटास्प्लॉइटेबल की जगह हम लोग 8.8.8 दे रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कि आया ये वर्क करेगा नहीं करेगा। तो इसने हमें कहा है कि नॉट रिलेबिलिटी चेक एक्सप्लॉइटेबिलिटी, ठीक है, अब ये अभी नहीं चेक करके दे रहा, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के सिस्टम में रन कर दे। तो अब ये देखें, इसने रनिंग कर दिया, रनिंग मॉड्यूल अगेंस्ट ये जो है हमारा टारगेट है उसके अगेंस्ट जो है ना इसने काम करना शुरू कर दिया, बट कुछ एरर आ गए हैं, ठीक है। अब ये एरर आते हैं, अगर आप लोगों के नहीं आते तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ पर मेरा सिस्टम में एरर आ गया, ठीक है। ये एरर इस वजह से आया कि पहले भी इसने मुझे बताया कि नॉट रिलेबली चेक एक्सप्लॉइटेबिलिटी, क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मैं yahoo.com की जो डोमेन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पक्की बात है कि ऐसी बात है कि उन लोगों ने प्राइवेसी सिक्योरिटी सब कुछ मेंटेन की होती है। तो हम लोग दूसरा जो इसका एक्सप्लोइट है वो चेक करते हैं, बट आप लोगों ने सेम ये जो कमांड्स जो मैंने लिखी हैं, अगर आप लोग ये भी लिखते हो
आप लोगों के सिस्टम के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर तो पोर्ट ओपन है और इस वल्नरेबल है तो वो आप लोगों को दे देगा, अगर नहीं है तो वैलेंट कोड है आपको, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का सिस्टम हैजैक होने से बच सकता है, आप लोगों का डोमेन नेम सिस्टम जो है वो हैजैक होने से बच सकता है। अगर मैं दूसरी जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं वन मतलब होस्ट वाला जो है बेलीविक्ट वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसमें हमें क्या मिलता है। सेम वैसे ही सब कुछ वैसे ही करना है, इतना कोई है नहीं। तो अगर मैं इन्फो चेक करता हूँ या फिर आप लोग शो ऑप्शंस करो या शो इन्फो करो, बात एक ही होती है, ठीक है। इसमें आप लोगों को नज़र आ होगा कि होस्ट नेम जो है कि जिसको आप लोग हैजैक करना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे लिखा है कि इसने अभी तो मैंने कोई मतलब कोई भी हार होस्ट नहीं दिया, इस वजह से मुझे इसने नहीं कुछ दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने जो है आर होस्ट दे सकते हो जो टारगेट है आपका, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, आर होस्ट और आईपी एड्रेस देना है अपने टारगेट का, और होस्ट नेम में आपने अपना टारगेट का जो होस्ट नेम होगा लाइक कुछ भी हो सकता है, टारगेट टेस्ला डॉट कॉम के पीछे सब डोमेन हो सकती है, लाइक बायर्स डॉट टेस्ला डॉट कॉम कुछ भी हो सकता है, वो आप लोगों ने यहाँ पे देनी है हाउस नेम के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने टारगेट जो आर होस्ट होगा उसके अंदर आप लोगों ने आईपी एड्रेस देना है उसी सब डोमेन का, फिर आरसी पोर्ट देना है, एसआरसी पोर्ट देना है और चेक करना है कि आया कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि कभी मतलब जैसे अभी मुझे ये दे रहा है कि नॉट रियल बी चेक एक्सपेक्टेबल, आप लोगों को भी ये दे, बट आप रन करो तो आप लोगों का रन हो जाए और आपका अटैक हो जाए। तो उसके बाद आप लोगों ने करना है यही कमांड लिखनी है, डीक प्लस शॉर्ट, जहाँ से आप लोग नेम सर्वर निकालोगे -t, ठीक है, नेम सर्वर्स yahoo.com, ठीक है। और आगे आप लोग अपने उसका आईपी एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। अभी ये है ना कि आप लोग आईपी एड्रेस जो है इस मशीन जो मतलब मैं yahoo.com कर रहा हूँ तो आप लोग उनको yahoo.com का ही आगे आईपी एड्रेस भी लिखना है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, फिर बता रहा हूँ, इसको मिसयूज़ ना कीजिएगा। आप देख सकते हो कि ये रन होना शुरू हो गया है, अब ये रिकॉर्ड कर रहा है नेम सर्वर फॉर एड्रेस, ठीक है। तो फिर से इसने मुझे एरर दे दिया, बट एरर इस वजह से दिया क्योंकि हम लोगों ने जो हमने न्यू एड्रेस है वो हमने नहीं था दिया हुआ, क्योंकि न्यू एड्रेस वहाँ पे था 1.3.7.6 इस कुछ इस तरह कुछ था, इस वजह से मुझे एरर दे दिया। बट ये अभी एरर ये सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं आपको, आप लोगों का भी अगर एरर आता है तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो है ना इस एरर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या करना पड़ेगा मैं दिखाता हूँ आपको, शो ऑप्शन में आप लोगों को न्यू एड्रेस नज़र आ रहा है 1.3.3.7, तो आप लोगों ने देना है न्यू एड्रेस करना है 8.8.8.8 और रन कर देना है, फिर शो ऑप्शन पर बल्कि कर लेना, चेक कर लेना कि सेट हुआ है नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर आप लोगों का ये सिस्टम सेट हो गया तो आप लोगों ने रन कर देना है, जब भी आप रन करोगे तो देख सकते हो कि एरर अभी हमारा खत्म हो गया है और यहाँ पर आ गया है आपको इज अथराइज फॉर एग्जाम्पल डॉट कॉम एडिंग टू द लिस्ट ऑफ नेम सर्वर टू स्पूफ एज कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्पूफ रिप्लाई टू सेंड पर क्यूरी। अब ये हमारा टाइम लेगा थोड़ा सा, आप लोगों का भी टाइम ले सकता है, हमारा ये काम चल गया है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं कैसे हो रही हैं, टारगेटिंग नेम सर्वर जो है ना हमारे पास आ गया, फॉर इंजेक्शन ऑफ जो भी एग्जाम्पल डॉट कॉम एज 8.8.8.com, और अब यहाँ पे जो पॉइंट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम है इसकी जगह आप लोग अपना होस्ट नेम दे सकते हो, और आगे जो है ना अपना टारगेट का आईपी एड्रेस हो गया जो भी हो गया सब कुछ करके आप लोग सेम इसी तरह जो है ना अपना टारगेट का जो है ना डोमेन हाईजैक कर सकते हो, और इसी तरह हैकर्स भी आप लोगों का सिस्टम हैकजैक कर सकते हैं अगर पोर्ट ओपन है तो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पोर्ट ऑफ रखना है, और इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को रोज़ डेली चेक करना पड़ेगा कि भाई फिल्टर्ड है पोर्ट नहीं है, ओपन तो नहीं है। तो ये बड़े कॉमन और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पोर्ट थे वो मैं आप लोगों को बता दिए कि कैसे एक्सप्लोर हो सकते हैं, तो बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।